हेलो फ्रेंड्स, दशरथास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मूंगफली दाना नमकीन। इसे टेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये यूपी, बिहार, उत्तराखंड और मुंबई जैसे शहरों में बहुत खाई जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करें। तो उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके लिए हमने ये 250 ग्राम मूंगफली ली है। ये कच्ची मूंगफली है, इसे अच्छे से पहले साफ़ कर लें। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच प्लेन नमक, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च डालेंगे, एक चौथाई चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी और डेढ़ चम्मच चावल का आटा डालेंगे। डेढ़ चम्मच ये मैंने चाट मसाला लिया है, इसे हम आधा डाल देंगे। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो उसकी जगह पे आप आमचूर पाउडर या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं अवेलेबल है तो आप उसकी जगह पे थोड़ी सी सूजी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम बेसन। इसे मैंने पहले से थोड़ा छान लिया है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना हो। इन सब चीज़ों को हम मिला लेंगे अच्छे से। ये नमकीन बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालने वाले मसाले आप अपनी इच्छा से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे, पर पानी हम इस तरह से छिड़कते हुए डालेंगे, एक साथ पानी इसमें नहीं डालना है। अगर हम इसमें एक साथ पानी डाल देंगे तो वो घोल बन जाएगा और उसमें मूँगफलियाँ जो हैं ठीक से मिक्स नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें इसको मिलाते जाना है और पानी डालते जाना है, ताकि ये बेसन इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है और थोड़ा सा हाथ से मिला लेते हैं इसको। बेसन को हमें इतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमें सिर्फ बेसन को इसके चारों तरफ कोट करना है। अगर हम बेसन ज़्यादा डाल देंगे तो वो पकौड़े की तरह बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसमें जो है मूंगफली बिल्कुल डूब जाएंगी। तो इस तरह से देखिए ये बनके तैयार है। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, उसके बाद ही इसे हम फ्राई करेंगे। अगर आपको मूंगफली और बेसन का घोल ये थोड़ा हार्ड लगे तो थोड़ा आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं, मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म करने रख दिया था कढ़ाई में। तो चेक करते हैं, ये गर्म हो गया है। बहुत तेज़ गर्म हमें नहीं चाहिए, मीडियम गर्म ही चाहिए। अब हम इसमें मूंगफलियाँ डालेंगे, थोड़ी थोड़ी इस तरह से छिटका के डालिए। बहुत तेज़ गरम नहीं चाहिए ऑयल, मीडियम गरम हो। अगर थोड़ी बहुत चिपक भी जाती हैं तो उसे फ्राई होने के बाद अलग किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद आप इसे चम्मच से इस तरह से पलटाएं थोड़ा सा और इस तरह से इसको अलग करते जाएं। मूंगफली को धीमी आँच कर दें गैस की, और इस तरह से अगर आप करेंगे तो मूंगफली अपने आप ही अलग होती जाएंगी। मीडियम आंच पे फ्राई करते हुए मुझे 6 से 7 मिनट लगे हैं इसे फ्राई करते हुए। देखिए ये पूरी तरह से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखा आपने, एक बैच मैंने फ्राई कर लिया है, पर घी के अंदर बेसन के कुछ इस तरह से कण रह जाते हैं, तो इनको आप इस तरह से निकाल लें, क्योंकि अगर ये पड़े रहेंगे तो ये दूसरे बैच तक ये ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे और खाने में कड़वे लग सकते हैं, ये मूँगफली के साथ चिपक सकते हैं। तो इसे आप इस तरह से निकाल लें, उसके बाद ही दूसरे बैच को फ्राई करने के लिए इसमें डालें। कोई भी फ्राई करते समय चीज़ इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे आप, तो आपकी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये देखिए, इसको हम हटा देंगे और दूसरे बैच में भी हम मूंगफली इस तरह से फ्राई कर लेंगे। पहले बैच में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मूंगफली चली गई थी, जिसकी वजह से थोड़ी चिपकने लगी थी। इसमें मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ, तो आपसे कहती हूँ कि आप थोड़ा कम कम ही डाल के इसे फ्राई करें। और अगर थोड़ा ज़्यादा डल गई और चिपक गई तो भी कोई बात नहीं, हम उसे अलग कर सकते हैं बाद में। इसे भी हम धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आंच का यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, अगर हम तेज़ आंच पे इसे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से सिक जाएगी और अंदर से मूँगफली कच्ची रह जाएगी। इस बैच में देखिए मूँगफली मैंने कम डाली है, तो ज़्यादा चिपकी नहीं है, थोड़ी बहुत ही चिपकी हैं। तो आप भी थोड़ी थोड़ी करके ही फ्राई करें, जिससे आसानी होगी आपको फ्राई करने में।
ये नमकीन इतनी जल्दी बनके तैयार हो जाती है, इसे आप शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं और अगर कोई मेहमान आ जाए तो इसे स्नैक्स के रूप में भी आप उसे सर्व कर सकते हैं। किसी भी समय आप इसे खा सकते हैं और इसे लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रखा जा सकता है, ये ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी नमकीन बनके तैयार हो गई है, कितनी क्रिस्पी बनी है देखिए। अब हम इसमें बचा हुआ चाट मसाला डाल देंगे। ऊपर से चाट मसाला रहेगा तो चटपटी रहती है, थोड़ा सा डाल दें उसमें। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। इसको आप स्टोर करके 1-1.5 महीने आराम से खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। आपको इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे भी ज़रूर ट्राई करूँगी। तो देखा आपने कितनी झटपट बनकर तैयार हो गई ये नमकीन, बहुत ही क्रिस्पी, चटपटी और टेस्टी, ये टेस्टी नमकीन बनी है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।